डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा। अच्छा, कौन सा शेयर लिया है, किस भाव पर शमीम? मैंने जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर लिया है मैम। मैंने वो लिस्टिंग के टाइम का ही लिया है मैम, 268 के भाव पे लिया था मैम। जी, तो अभी और कितना रुकना है, किस नजरिए से लिया था? मैं मेरा 5 साल के नजरिया है, क्या इसे मैं रख सकता हूँ? अभी मुझे 28% का रिटर्न रिटर्न मिल रहा है फिलहाल। बिल्कुल, निवेश का नजरिया है आपका यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अमर, इतना लंबा निवेश अगर आप करना चाहें तो इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से अगर आप करें तो अच्छा होता है। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल के तहत एक सलाह होती है। बट एनीवेज, जियो फाइनेंस 5 साल का नजरिया और मुनाफा भी है बहुत अच्छा खासा, इन्होंने शुरुआत में ले लिया था। मैं तो ये कहूंगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इन्हें लॉन्ग टर्म डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल रिलायंस ग्रुप कंपनी है। और दूसरी बात है कि रिलायंस इज अ मेजर प्लेयर इन द इंडियन इकोनॉमी, और रिलायंस की ग्रोथ रहती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये सब जो कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज, इनकी भी काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी। और एनबीएफसी, जियो फाइनेंशियल इज एन एनबीएफसी, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप रहता है इकोनॉमी से। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि वो 5 ईयर्स होल्ड करना चाहते हैं तो नथिंग लाइक इट, यू शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू इट। और यदि कुछ करेक्शन भी, सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है, तो मे बी दैट कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और स्टॉक एसआईपी करके भी ये स्टॉक को देख सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जियो फाइनेंस को लेकर शमीम, ये सलाह आपको मिल रही है।